नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। और हम इस समय मौजूद हैं महोबा जिले के नकरा में। नकरा में वो जगह जो कल से बहुत चर्चा में है, यहाँ एक किशोर का जो जिनकी उम्र बहुत कम, लगभग कितनी उम्र रही हुई, 13-14 साल, जो सातवीं में पढ़ता था, प्रेम सहरवार नाम था, यहाँ इस जगह घटना स्थल पर दिखाएंगे। और पीछे से आ जाएँ, यहाँ से सरकारी डिपो से, राट महोबा डिपो से एक्सीडेंट हुआ था। और ये देखेंगे ये ब्लड के निशान, यहाँ पर बच्चा साइकिल से शायद क्रॉस कर रहा था और यहाँ डिपो से ये खून के निशान आपको दिखाई देंगे। और करीब दिखाएं कैमरे से, भैया आ जाएं थोड़ा। ये इधर इस जगह एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट तो रोज़ होते हैं, लेकिन इस घटना में भीड़ इकट्ठी हो गई और जनता में बहुत आक्रोश था कि घसीटते हुए डिपो से पनवाड़ी थाना तक ले गए ड्राइवर। इस बात से नाराज होकर, और पीछे देखेंगे कि फोर्स खड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, इस बात से जनता नाराज होकर यहाँ इकट्ठी हो गई। उसी में कुछ अराजक तत्वों ने, जो यहाँ पर दरोगा पनवाड़ी से आए थे, कुछ पुलिस बल थी, तो वो आते हैं और जाम खुलवाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप जाम हटा दें। तो भीड़ का इतना आक्रोशित, इतना गुस्सा थी कि दरोगा जी के ऊपर ही हमला कर दिया। वीडियो वायरल है, दरोगा को भीड़ मारती हुई दिखाई दे रही है, उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्त भी किया गया है। अभी अंतिम संस्कार हो चुका है और अब यहाँ सन्नाटा है। शाम होते ही पंछी घर को चले जाते हैं। यहाँ पर एक बालक का देहांत हो गया और समय से पहले, बहुत लोग बता रहे हैं कि बहुत पढ़ाई में अच्छा था। पीछे आपको फोर्स दिखाई दे रही होगी, पीएससी भी है और अंतिम संस्कार पुलिस ने करवाया है, क्योंकि घटना वाली जगह पर पुलिस बल है। यहाँ पर एक दरोगा जी को पीटा गया है, इस वजह से उनके साथ छीना झपटी गई है। पुलिस जो सुरक्षा देती है, जनता ने कानून अपने हाथ में लेकर भीड़ कर दी है। थोड़ा परिवारजनों से मैं जानूंगा, उनसे मिलके उनके इस दुख की घड़ी में उनके घर के पास ले जाता हूँ, रोड पर ही घर है, और उनसे जान लेते हैं कि कैसे, कब की घटना है, समय क्या हुआ था। यहाँ अभी भी सुरक्षाकर्मी तैनात है और लोग बाग ऐसे, एक इनका बालक इतनी कम उम्र में पढ़ाई में इतना तेज था और ख़त्म हो गया, शायद उनके दादाजी यहाँ बैठे होंगे। क्या नाम है आपका? पन्ना लाल। कौन थे आपके जो ख़त्म हो गए? मेरा नाती था, प्रिंस। हाँ। कितने बजे की घटना है ये? घटना है 4:20। 4:20। हाँ। और साइकिल से कहाँ, स्कूल से लौटे? साइकिल से, कोचिंग से। स्कूल तो बंद हो जाता, कोचिंग स्कूल ही से आके खाना खाया और थोड़ी यहाँ तक चला गया साइकिल लेके। अच्छा। बस उतने में, हाँ, डिपो ने, उसने डिपो ने एक्सीडेंट करा। एक प्राइमेट नंबर रखा थी, उसको देखा उसने, इस प्राइमेट इसकी रोडवेज की ध्यान ना दी पे, और किनारे पे आते बिल्कुल उसने मार दी, तो उसका घोड़े में पहले लगा यहाँ पे, और उसने अगर घोड़े में लग के अगर उतर के होता बच्चा बच जा, ना हड्डी टूटी थी ना कछु टूटी थी, फिर पछेल उसने गाड़ी दोबारा, सो मुड़ पे बिगड़ गई, सो चकना चूर कर दो सर, जैसी बात बताओ, नहीं तो बच जा तो बच्चा, ना हड्डी टूटी थी ना कछु, बकला उधर तो जो है यहाँ को पोस्टमार्टम हो गया, हाँ सब हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। देखे परिवार उदास बैठे, अभी भी पुलिसकर्मी है, तो यहाँ पुलिसकर्मी इसलिए है, उस घटना को बताएं कि कैसे दरोगा यहाँ जाम खुलवाने आए थे और भीड़ ने कैसे हमला कर दिया, क्या घटना हुई थी, और घटना के बारे में है जानकारी सर? हमें वीडियो तो बाहर है, दरोगा जी लोग मारते बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल लस्त, थोड़ा सा कैमरा भी लगा है, कैमरे में जरूर ले जाए हूं, लस्त डरो तू, मैं तो लस्त डरो तू, मुझे तो कोई मालूम नहीं है कि किसने का करी, कितनी भीड़ हो गई होगी, कुछ अंदाज दादा, कितनी भीड़ हो गई होगी? कम से कम 5,000, अरे 50,000 की भीड़, अति इतना बहाना तो। अच्छा, जाम हो गया? हाँ, जाम, रोड पे जाम, जाम। कितने घंटे का जाम रहा? कम से कम 2.5-2 घंटा। 2 घंटे का जाम रहा। और बाहर को आदमी समात ना है तो जो नहीं मने आ, जो नहीं हाथ लगाओ तो बताबू, हम तो बताऊ है सब एरिया के, इतना इतना मन सतु की भी पता, मैं तो बेहोश डरू तू आपसे बताऊ। तो घटना ये है कि आफतपुरा, और ये आफतपुरा है नकरा के पास में महोबा के, यहाँ पर एक बहुत ही होनहार बालक का एक्सीडेंट हुआ, उसमें उनकी जान चली गई कल। और कहाँ? होली इंजन में। अच्छा, बस से जाते राट जाते थे? नहीं, इसमें पनवाड़ी में। हाँ, होली इंजन। हाँ, उस पे जाते तो मैं जग पे। अच्छा। और शाम के 3 बजे आते, 5 बच्चा पढ़ाते, जे भी उसकी बच्ची ये, आ बेटा आ जाओ आ जाओ, ये देखें बहन, दो बहनों को छोड़ के गया है, और ये बीच बड़ी वाली है, छोटी है, लड़का बड़ा था? बड़ा था? बड़ा था। ये सबसे छोटी है? हाँ, जे नहीं, जे मंजली है। हाँ।
और उससे छोटी। ये देखें भाई को राखी बांधी होगी आने वाले अभी रक्षाबंधन पर, लेकिन ऐसे छोड़ के चले गए, तो एक्सीडेंट बहुत दुख देख के गया है इन घर को। लेकिन अभी देखेंगे मातम पसरा हुआ है, उनके पिताजी बैठे हैं। ऐसी कवरेज करने में मुझे भी बड़ा वो लगता है कि कैसे एक पिता से ये जानेंगे कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, जिसका जाता है उस। हाँ सर, मेरे सर में ऐसी गुजरी कि मेरा हीरा चला गया, हीरा चलो गो बिल्कुल काला, मेरी छाती से चिपक के पड़ो बचपन से। हाँ, मन में रोज चलो।